हाय फ्रेंड्स, आज हम एंजेलिक मेडिटेशन करने जा रहे हैं। एंजेलिक मेडिटेशन के लिए आप एक कमरा चूज करें। पीसफुल रूम में बैठ जाएं। उस रूम में फ्रेग्रेंस के लिए आप कुछ यूज कर सकते हैं, चाहे तो धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामने कैंडल को जला लें और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर लॉक करें, गोदी में रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लें और अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें। लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें। एक बार फिर लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब आप देखेंगे आपकी बॉडी से एनर्जी जो निकल रही है उससे एक बॉल, गोल्डन कलर की बॉल बन चुकी है। आपकी एनर्जी से एक गोल्डन बॉल बन चुकी है और ये गोल्डन बॉल आपके हार्ट चक्रा में जा रही है। विजुलाइज करें, ये गोल्डन बॉल हार्ट चक्र से आपके रूट चक्र से होते हुए, फीट से होते हुए सेंटर ऑफ अर्थ में जा रही है, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस अर्थ में ग्राउंडेड हो रही है। अब ये गोल्डन बॉल फिर से रिटर्न हो रही है। अब ये सेंटर ऑफ अर्थ से फीट से होती हुई आपके रूट चक्र में आ चुकी है। ये गोल्डन बॉल रूट चक्रा में मिक्स हो रही है। रूट चक्रा जो रेड कलर का है, उस रेड कलर में मिक्सअप हो रही है और इस रूट चक्रा को बैलेंस और एनर्जाइज कर रही है। विजुलाइज करें, अब आपका रूट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस और एनर्जाइज हो चुका है। अब ये गोल्डन बॉल आपके सेक्रल चक्रा में जा रही है जो ऑरेंज कलर का है और आपके सेक्रल चक्रा को भी वो बैलेंस और एनर्जाइज कर रही है। विजुलाइज करें, आपका सेक्रल चक्रा भी बैलेंस और एनर्जाइज हो चुका है। अब ये गोल्डन बॉल आपके
आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में शिफ्ट हो रही है, जो येलो कलर का है। उसे भी ये बैलेंस और एनर्जाइज कर रही है। विजुलाइज करें। अब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बैलेंस और एनर्जाइज हो चुका है। अब ये गोल्डन बॉल आपके हार्ट चक्रा में जा रही है, जो ग्रीन कलर का है। इस गोल्डन बॉल से आपका हार्ट चक्रा भी क्लींस, बैलेंस एंड एनर्जाइज हो चुका है। अब ये गोल्डन बॉल आपके थ्रोट चक्रा में जा रही है। थ्रोट चक्रा जो ब्लू कलर का है, उस कलर में मिक्स होकर थ्रोट चक्रा को भी बैलेंस और एनर्जाइज कर रही है। विजुलाइज करें। अब आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस एंड एनर्जाइज हो रहा है। अब ये गोल्डन बॉल आपके थर्ड आई चक्रा में जा रही है, जो इंडिगो कलर का होता है। उसे भी ये बैलेंस और एनर्जाइज कर रही है। विजुलाइज करें। अब आपका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस हो रहा है। पूरी तरह से ये बैलेंस एंड एनर्जाइज हो चुका है। अब आपके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। आपके ईएसपी पावर भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। अब आप अच्छे से सुनना, समझना और महसूस करना और भी आपका बेहतर होता जा रहा है। अब ये गोल्डन बॉल आपके क्राउन चक्रा में जा रही है, जो वॉयलेट कलर का है। इस गोल्डन बॉल से क्राउन चक्रा भी बैलेंस एंड एनर्जाइज हो रहा है। विजुलाइज करें। विजुलाइज करें कि आपका क्राउन चक्रा भी बैलेंस एंड एनर्जाइज हो चुका है। अब आपके स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं। अब ये गोल्डन बॉल आपके क्राउन चक्रा पे है और अब आपकी कॉन्शियस पावर को लेकर ये ऊपर जा रही है, आकाश की तरफ। विजुलाइज करें आपकी कॉन्शियस पावर, कॉन्शियसनेस गोल्डन बॉल के साथ ऊपर जा रही है और ऊपर और ऊपर और ऊपर, आसमान में क्लाउड्स को पार करती हुई एक मून को क्रॉस कर रही है। विजुलाइज करें। वहां बहुत सारे स्टार हैं, उसमें एक बहुत बड़ा स्टार बहुत ही ब्राइट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कॉन्शियस पावर गोल्डन बॉल के साथ उस स्टार को क्रॉस कर रही है। अब वो गोल्डन स्पेस में आ चुकी है, जहां पूरा नजारा गोल्डन गोल्डन है। चारों तरफ
गोल्डन गोल्डन ही दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज करें। अब ये गोल्डन बॉल गोल्डन स्पेस को पार करती हुई व्हाइट स्पेस में जा रही है और व्हाइट स्पेस को पार करते हुए बहुत बड़ा ब्राइटन स्टार दिखाई दे रहा है। उस स्टार में ये गोल्डन बॉल आपकी कॉन्शियसनेस पावर को साथ में लेकर जा रही है। जब वो ब्राइटन स्टार में जा रही है, वहां आपको टू आर्क एंजल्स जो आपकी गार्डियन एंजल से आपका वेलकम कर रही है, उनके गाउंस में उनके नाम लिखे हैं। वो अपना नाम आपको बता रही हैं। आप उनकी प्रेजेंस को समझ सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करके उनका नाम भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है तो अब जो भी रिपीट में आपको नाम दिखाई दे या सुनाई दे, वही आपकी गार्जियंस एंजल्स के नाम होंगी। आपकी गार्जियंस एंजल्स अब आपके साथ रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, आपको हर टाइम गाइड करेंगी क्या सही है क्या गलत है। आप जब भी उनकी हेल्प लेना चाहोगे वो आपकी हमेशा मदद करेंगी, हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब ये गार्जियंस एंजल्स आपकी गोल्डन बॉल को आपके कॉन्शियसनेस के साथ आगे वाइट स्पेस को क्रॉस कर रही हैं। वाइट स्पेस को क्रॉस करते हुए एक बहुत बड़ा ब्राइटन स्टार फिर से दिखाई दे रहा है, बहुत शाइन बहुत चमकता हुआ। चारों तरफ ब्राइट ब्राइट लाइट्स व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। ये गार्जियंस एंजल्स अब आपको उस ब्राइटन स्टार में ले जा रही हैं। अब वहां आपको 15 चेयर्स दिखाई दे रही हैं। उस 15 चेयर्स पे 15 आर्क एंजल्स बैठी हुई हैं और अब आपको देखकर वो स्माइल कर रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्क एंजल्स लग रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है और अब आपका वो वेलकम कर रही हैं। वो कह रही हैं आपका वेलकम है एंजल्स स्पेस में। और अब वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल लाइट से आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपको लाइट्स आपके शरीर में भेज रही हैं। उनकी डिफरेंट लाइट्स आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। विजुलाइज करें, आपका पूरा बॉडी दमकता हुआ दिखाई दे रहा है इन स्लाइड से। अब आप आर्क एंजल्स की इन लाइट्स के द्वारा फिलअप हो चुकी हो और अब आप बहुत ज्यादा उनसे अलाइन हो चुके हो। आर्क एंजल की एनर्जी से आप अलाइन हो चुके हो। पूरी तरह से अब आप
आर्क एंजल्स की एनर्जी से अलाइन हो रहे हो। अब आप आर्क एंजल्स को समझने लगे हो, उनके मैसेज को रिसीव करने लगे हो। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आर्क एंजल्स को समझने लगा है, उनके मैसेज को रिसीव करने लगा है, उनके हेल्प के द्वारा आपके वो काम करवा रहा है। अब आप आर्क एंजल्स की एनर्जी से पूरे अलाइन हो चुके हो। अब आप जब भी कोई सिंपल प्रेयर के द्वारा भी इन सभी आर्क एंजल्स के साथ इन्वोक करेंगे, आर्क एंजल्स आपकी हेल्प करने आ जाएंगी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हेल्प के लिए भी आप इन सभी आर्क एंजल्स को बुला सकते हो। ये हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अब इन सभी आर्क एंजल के साथ अलाइन हो चुके हो। तो जब आपको किसी भी प्रॉब्लम या विश के लिए आर्क एंजल्स की जरूरत होगी, तो आप इन आर्क एंजल्स को प्रेयर से इन्वोक करके अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। अब ये आर्क एंजल्स आपकी हमेशा हेल्प करेंगी, हमेशा साथ में रहेंगी, और अब आप इनकी प्रेजेंस को भी समझ पा रहे हैं। आपके ईएसपी पावर बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। अब आपके इंट्यूशन पावर भी आर्क एंजल्स की एनर्जी को समझ रहे हैं। तो आप कोई भी आपकी लाइफ में इशू हो, मनी से रिलेटेड, मेंटली हेल्थ से रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम या आपकी कोई इच्छा है, आप इन आर्क एंजल्स को प्रेयर के माध्यम से इन्वोक कर सकते हो। ये हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो अब आप पूरी तरह से इनकी लाइट से अलाइन हो चुके हो। इनकी लाइट्स आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब आप गार्जियंस एंजल्स के द्वारा व्हाइट स्पेस को फिर से क्रॉस कर रहे हो। गार्जियंस एंजल्स आपको फिर से व्हाइट स्पेस से क्रॉस करते हुए गोल्डन स्पेस में ले जा रही है, और गोल्डन स्पेस को पार करते हुए फिर से एक स्टार को क्रॉस कर रहे हैं। फिर स्टार को क्रॉस करते हुए आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, जहां आप मून को क्रॉस कर रहे हो, और आपकी गार्जियन एंजल्स आपको फिर आपके हाथ में गोल्डन बॉल देकर आपको विदा कर रही हैं। और अब आप अपनी कॉन्शियसनेस को गोल्डन बॉल के साथ मून को क्रॉस करते हुए, क्लाउड्स को क्रॉस करते हुए अर्थ की ओर आ रहे हो। विजुलाइज करें। अब आप अर्थ में आ रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस इस गोल्डन बॉल के साथ आपके पूरे शरीर में फिर से आ रही है। विजुलाइज करें। अब जब भी आप व्हाइट स्टार को, ब्राइटन स्टार को याद करेंगे, आपको वही 15 चेयर्स याद आएंगी
15 आर्कएंजल्स याद आएगी और आप बहुत जल्दी आर्कएंजल के साथ अलाइन हो जाएंगी। अब पूरा ध्यान अपनी कॉन्शियसनेस पे लेकर आई। अब मैं आपको 3 तक काउंटिंग कहूंगी। 3 में आपको अपने कॉन्शियसनेस को देखना है, 2 में आपको सराउंडेड को महसूस करना है, आसपास के वातावरण को महसूस करना है, 1 में आपको आंखें खोल लेना है। 3 अपने कॉन्शियसनेस को फील कीजिए, 2 अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, 1 ओपन योर आईज। थैंक यू।